ताज का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, और इसके इसके राइटर है जैक फिनी। और ये और फिर उसके बाद ये हमारे जैक फिनी है, ये इन्होंने क्लास 12th में द थर्ड लेवल किया है, और ये एक अमेरिकन ऑथर है, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1911 में हुआ था, और ये अपने फिक्शन और थ्रिल स्टोरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। और फिर उसके बाद आज हम इन्हीं की स्टोरी पढ़ने जाएंगे, द थर्ड लेवल। और फिर उसके बाद स्टोरी पढ़ने से पहले हम इसके अंदर इम्पोर्टेंट करेक्टर जान लेते हैं। फर्स्ट करेक्टर है चार्ली, जो कि इम्पोर्टेंट करेक्टर और नरेटर भी है। और नरेटर और ऑथर में क्या फ़र्क है? ऑथर जो होता है वो स्टोरी को लिखता है, और नरेटर जो होता है स्टोरी के अंदर की कहानी बताता है, मतलब उसके अंदर इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है जो स्टोरी के अंदर और जो कहानी बताता है स्टोरी के अंदर रह के, उसे नरेटर कहते हैं। और फिर सेकंड करेक्टर है लूशा, वो है वाइफ ऑफ चार्ली, ठीक है। और थर्ड करेक्टर है सैम, ये साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है ऑफ चार्ली का, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखने वाली है कि पहले तो है ब्रासपिटन, ब्रासपिटन क्या होते हैं वो आगे बताऊंगा आपको, ये पॉइंट अभी याद रखो। गोल्ड वॉच, ये सारे पॉइंट वो है जब वो थर्ड लेवल पे गया था तो उसने क्या क्या वहाँ पे देखा था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और फिर गोल्ड वॉच, डर्बी हैट, और एक और था मस्टैंग, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं न्यूज़पेपर, उसने कौन सा देखा था वहाँ पे, द वर्ल्ड देखा था। और फिर डेट क्या थी इस पर, 11 जून 1894, और फर्स्ट डे कवर, ये सारी चीज़ें आगे बताऊँगा आपको क्या होता है, अभी के लिए याद रख लो पॉइंट की ये पॉइंट उसने वहाँ पे देखे थे। और फिर उसके बाद यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है द थर्ड लेवल, और उसके ऑथर है जैक फिनी, और ये एक अमेरिकन ऑथर है, ठीक, ये एक अमेरिकन ऑथर है। और फिर उसके बाद इस स्टोरी को पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, ऑथर ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी तुमने अपने लाइफ में या अभी तक तुमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि तुम जो चीज़ लोगों को बता रहे हो वो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पागल हो और ऐसी चीज़ें रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन तुम कहते हो कि नहीं एग्जिस्ट करती है, मैंने ये रियल वर्ल्ड में देखा है, और जब तुम बताते हो तो वो तुम्हें पागल ठहरा देते हैं। तो ऐसे ही कुछ इसके अंदर चार्ली के साथ होता है इस स्टोरी में, जो नरेटर है इस स्टोरी का। तो फिर बाद वो बोलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क का सेंट्रल है, या फिर न्यू हेवन, या फिर हार्टफोर्ड रेल, इन सबसे पूछेंगे तो वो सौगंध खाकर बोलेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे सिर्फ दो ही लेवल है, लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं वहाँ पे तीन लेवल है, क्योंकि मैं वहाँ पे था और फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। और फिर मैं जब ये बातें अपने दोस्तों को बताते था तो वो कहते थे कि नहीं तुम पागल हो, तुम ऐसी चीज़ों को एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस सब चीज़ों के लिए मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया था, मैं अपने चार्ली क्या कहते हैं चार्ली फिर बोलते हैं कि मैंने एक यहाँ पे ऑब्वियस स्टेप लिया, फिर उसके बाद मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करा इन सारी बातों के बारे में, उसको बताया, तो उसने बोला कि ये मेरा जो मैंने उसको बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल के बारे में सारी चीज़ें बताई, तो वो कहते हैं कि ये मेरा वॉकिंग ड्रीम हो सकता है जो मैं फुलफिलमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अनहैप्पी हूँ। और मैं फिर उसके बाद कहते हैं जब ये सारी चीज़ें मेरी वाइफ ने सुनी तो वो शोक हो गई, थोड़ी टाइम के लिए वो शोक हो गई, परेशान हो गई कि मैं अपने हस्बैंड का ख्याल नहीं रख पा रही हूँ और वो परेशान है, मुझे पता नहीं है, और वो थोड़े टाइम के लिए पागल हो गई। फिर उसके बाद फिर मेरे जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है जो वो बताता है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है जो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, एंड ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ इट, और इन सब चीज़ों से स्केप पाना चाहता है चार्ली बस, और कुछ नहीं है। और इन सब चीज़ों से स्केप कौन नहीं पाना चाहता, हर कोई चाहता है, यहाँ तक कि मैं भी पाना चाहता हूँ, बट दे कैन नॉट, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर उसके बाद चार्ली जब ये सारी चीज़ें, ये रीज़न जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने दिया था, वो सब चीज़ें जब वो अपने फ्रेंड को बताता है तो वो इन सब चीज़ों से एग्री हो जाते हैं कि हाँ वो सही बता रहा होगा, और वो ब्लेम, और फिर उसके बाद जो चार्ली के फ्रेंड थे वो ब्लेम करने लग जाते हैं इसके स्टैम्प कलेक्शन के, चार्ली का जो हैबिट था जो स्टैम्प कलेक्शन का, उसको ब्लेम कर देते हैं कि जब तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो तो तुम कुछ टाइम के लिए रिफ्यूजी हो जाते हो फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूजी मतलब होता है कि कुछ समय के लिए रियलिटी से वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाना, मतलब अगल बगल क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ नहीं पता, और
हम अपनी खुद की एक अलग दुनिया में चले जाना, ठीक है। तो वही बताते हैं उसके दोस्त के, जब तुम स्टैम्प कलेक्ट नहीं करते हो तो कुछ समय के लिए रिफ्यूज हो जाते हो तुम रियलिटी से। फिर वो चार्ली कहता है ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या मेरे ग्रैंडफादर जो है वो भी करते थे, तो क्या वो भी फिर रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस टाइम तो नाइस पीच नेस थी, तो वो इन सब चीजों से क्यों रिफ्यूज लेना चाहेंगे। और फिर वो कहते थे कि वो चार्ली कहता है कि वो फर्स्ट डे को कवर करते थे यूएसए के, जो मतलब जितने भी स्टैम्प होते थे उन सबको कलेक्ट करते थे। और स्टैम्प कलेक्शन कुछ ऐसे होता है, जैसे ये स्टैम्प है, एनवलप है, एनवलप के ऊपर जो भी स्टैम्प आया उसको यहाँ पे चिपकाया, उनको फिर भेज दिया, और फिर भेजने के बाद जब वो वापस उनके एड्रेस पे आया तो उसको इसके अंदर उन्होंने ऐसे सजा दिया। तो इसको कहते हैं स्टैम्प कलेक्शन। तो फिर वो बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट वो भी करते थे, प्रेसिडेंट रोजवेल्ट है जो वो भी करते थे स्टैम्प कलेक्शन, तो क्या वो भी स्केप पाना चाहते थे रियलिटी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चार्ली कहते हैं फिर यहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बोलते हैं चार्ली की एनीवे उस दिन मैं क्या कहते हैं मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ, और मैं लेट ऑफिस से निकलता हूँ, और मैं जल्दीबाजी में था। तो फिर उसके बाद मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ निकलता हूँ, तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं क्या कहते हैं बस ना लेके मैं सबवे से जाऊँगा, क्योंकि सबवे सबवे कुछ ऐसा होता है जैसे मेट्रो मेट्रो टाइप होता है जो अंडरग्राउंड चलती है, और ये अंडरग्राउंड चलती है सबवे। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं बस ना लेके सबवे से जाऊंगा, क्योंकि सबवे जो है बस से फास्टर है और मैं जल्दी पहुंच पाऊंगा। और लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी गाय गाय हूँ, मतलब कि मैं एक कोई सिंपल सा बंदा हूँ, और मेरा नाम है चार्ली, 31 ईयर ओल्ड हूँ मैं, ये याद रखना। कितने साल का था वो? 13 ईयर ओल्ड। कहता है कि मैं 13 ईयर ओल्ड हूँ, मैंने एक गार्डनी सूट पहन रखा है। और फिर उसके बाद गार्डनी सूट कुछ ऐसा होता है जैसे इसने यहाँ पहन रखा है ना, पिक्चर में दिखाता है गार्डनी सूट पहन रखा है, स्ट्रो हैट मतलब ऐसे थे जैसे ये बता रखा है ना यहाँ पे, ये पहन रखा है मैंने स्ट्रो हैट, पिक्चर में दिखा रहा है जो कुछ ऐसे ही अपना ऐसे ही लुक बताता है अपने आप का। कहता है कि मैंने और फैंसी बैंड पहन रखा, मतलब ये टोपी के ऊपर ये व्हाइट कलर का जो आपको दिख रहा है, ये कहते हैं कि यहाँ पे एक फैंसी बैंड था, बस मैंने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे। और जब मैं वहाँ से जा रहा था मैंने देखा कि एक और आदमी मेरे जैसे ही बिल्कुल जा रहा था, लेकिन मैं वहाँ से भागना नहीं चाह रहा था, मैं स्केप नहीं पाना चाह रहा था वहां से, मैं किसी चीज से स्केप पाना नहीं चाह रहा था, बस मैं अपने क्या कहते हैं घर पे लूशा के पास अपने वाइफ के पास पहुंचना चाह रहा था। तो फिर उसके बाद फिर आई टर्न इट टू ग्रैंड, फिर मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास जाता हूँ फ्रॉम वंड। और फिर उसके बाद फिर मैं वहां से नीचे उतरने लग जाता हूँ फर्स्ट लेवल की तरफ, और फिर जहाँ पे हम ट्रेन लेते हैं 20th सेंचुरी के, 20th सेंचुरी के ट्रेन क्या होते हैं जो आज के समय पे चलते हैं। वो कहता है कि वहाँ पे हम मैं जा वहाँ पे फर्स्ट लेवल पे देखता हूँ कि 20th सेंचुरी की ट्रेन आती है, आई टेल ब्राउन। फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर मैं और नीचे जाने लग जाता हूँ सेकेंड लेवल पे, वेयर द जहाँ पे सबवे ट्रेन चलती है। और फिर उसके बाद फिर मैं वहां पे देखता हूँ सेकंड लेवल पे जाता है कि एक आर्चरी डोर, आर्चरी डोर क्या होता है, ऐसा होता है आर्चरी डोर जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है ना, आर्चरी डोर ऐसे पुराने टाइम पे कुछ ऐसे था आर्चरी डोर, इसे याद रख लेना, इसे अंडरलाइन कर लेना, आर्चरी डोर हेड फॉर द सबवे। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ आर्चरी डोर वहां पे है जो सबवे की तरफ जा रहा है, तो मैं उसके अंदर जाता हूँ, आई गो टू फिर उसके बाद दैट इजी टू फिर उसके बाद फिर मैं आरसी टोर के अंदर जाता हूँ। लेकिन मैं 100 टाइम, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, मैं 100 टाइम आ चुका हूँ, लेकिन आई ऑलवेज बम्पल इन टू अ न्यू डोर। मैं फिर वो बोलता है कि मैं 100 टाइम आ चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार किसी ना किसी एक नए दरवाजे में चला जाता हूँ, हर एक नए नए दरवाजा देखता हूँ, नया स्टेयर देखता हूँ, नए कॉरिडोर देखता हूँ। वहाँ पे मैं वंस आई गोट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल्स एंड केम आउट इन अ, और एक बार जब मैं जा रहा था तो मैं क्या कहते हैं मैं एक टनल में जाता हूँ जो 1 माइल का था आरसीटी डोर जैसी। और उसके बाद बताते हैं कि मैं 1 माइल के टनल में गया था, तो फिर मैं एक बार क्या कहते हैं उस टनल से जाते हुए लॉबी में निकल गया था रोजवेल्ट होटल के, एंड अनदर टाइम फिर दूसरी टाइम मैं जब आ रहा था तो मैं आई केम अप इन टू अ
ऑफिस बिल्डिंग, फिर मैं ऑफिस बिल्डिंग में निकल दिया, निकल गया था, वो भी 40-60 स्ट्रीट पे, ठीक है, 13 ब्लॉक अभी समथिंग आई थिंक। फिर सुबह फिर चार्ली बोलता है कि मेरे को कुछ ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जो ग्रो कर रहा है लाइक अ ट्री, और फिर सुबह मतलब पेड़ की तरह ये अपने आप को बढ़ा रहा है। और फिर सुबह ये कहता है न्यू कॉरिडोर, दिन पे दिन न्यू कॉरिडोर दे रहा है, स्ट्रीट केस दे रहा है और रूट की तरह। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे चार्ली बताता है कि ऑफिस में चार्ली बोलते हैं कि यहाँ पे एक लॉन्ग टनल है, जिस क्या पता है यहाँ पे एक लॉन्ग टनल हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो, जो कि टाइम स्क्वायर के पास खुल रहा हो। टाइम स्क्वायर कुछ हैगा यहाँ पे यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ऐसे टाइम स्क्वायर, कह रहे कि टाइम स्क्वायर में खुल रहा हो या फिर सेंट्रल पार्क में खुल रहा हो, सेंट्रल पार्क कह रहा। और फिर लेकिन मैं इन सब चीजों के बारे में अपने दोस्त को नहीं बताता। ऑफिस के बाद फिर चार्ली बोलता है द कॉरिडोर, फिर चार्ली बोलता है, फिर वो कॉरिडोर में जाता है, कुछ इस तरह का कॉरिडोर होता है। और फिर वो बोलता है कि कॉरिडोर है बहुत बिग, मतलब लेफ्ट हैंड स्लैम डाउन इनटू अदर। फिर सुबह वो बोलता है कि मैं जब कॉरिडोर के अंदर जाता हूँ, फिर मैं टनल के अंदर जाता हूँ, तो फिर उसके बाद वहाँ पे सिर्फ एम्प्टी साउंड रहती है, कोई भी नहीं रहता वहाँ पे, और किसी चीज़ की भी कोई नहीं दिखता, सिर्फ मेरे फुट स्टेप की आवाज़ दिखते हैं वहाँ पे। आई डिड नॉट पास ऑन द होल। और फिर जब मैं चलता हूँ, फिर उसके बाद से मेरे वहाँ पे पैरों के चलने की आवाज़ आती है, फुट स्टेप की आवाज़ आती है। फिर मैं जब थोड़ी दूर चलता हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे देखता हूँ एक ओपन स्पेस देखता हूँ, जहाँ पे क्या कहते हैं कई सारे पीपल, मतलब आदमी बातें कर रहे होते एक दूसरे से टनल अंदर साफ। फिर मैं वहाँ से लेफ्ट मुड़ता हूँ थोड़ा सा, आई टर्न डाउन, और फिर मैं वहाँ से नीचे की तरफ जाता हूँ, शॉर्ट ऑफ लाइट होता है स्टेयर, फिर स्टेयर से मैं थोड़ी देर नीचे ही जाता हूँ, कि मैं देखता हूँ कि थर्ड लेवल पे आ गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, फोर जस्ट मूव। लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ, बट आई सो द रूम बहुत स्मॉलर। फिर मैं वहाँ पे देखता हूँ कि नहीं, यहाँ पे रूम बहुत छोटे छोटे हैं, देयर वाज अ फ्यूअर टिकट विंडो। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की, कुछ इस तरह की विंडो है, टिकट विंडो है, कुछ इस तरह की टिकट विंडो है, ट्रेन गेट्स कुछ इस तरह के की हैं, जैसे ऑल टाइप होती हैं ट्रेन गेट्स, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन बूथ है वहाँ पे, वो जो वुडन के बने पड़े हैं, ओल्ड ओल्ड पुराने पुराने दिख रहे हैं थोड़े, नहीं, बहुत पुराने दिख रहे हैं। एंड मैन वो बहुत बहुत। और फिर वो बोलता है कि फिर उसके बाद फिर मैं चारों तरफ देखता हूँ, तो वहाँ पे फ्लिकरिंग हो रही है लाइट, मतलब डिम लाइट है, फ्लिकरिंग हो रही है। और फिर मैं ध्यान से देखता हूँ, तो वो गैस लाइट थी, गैस लाइट मतलब लालटेन जो है पिक्चर में है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है स्टोरी के अंदर, देर वो ब्रासपिटन। ब्रासपिटन क्या होता है, अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से आपके पेपर में आएगा। ब्रासपिटन होता है, क्या कहते हैं, जिसमें हम पान थूकते हैं। तो जैसे आज के समय पे जाते हो स्टेशन पे, तो हर जगह डस्टबिन बॉक्स होंगे, तो वैसे वहाँ पे 1894 के अंदर क्या कहते हैं ब्रास पीटन था। ब्रास पीटन मतलब पान थूकने के लिए, वो चारों तरफ फ्लोर पे था, चारों तरफ स्टेशन के ऊपर लगाए हुए थे। वो चार्ली देखता है, ये चार्ली बता रहा है कि थर्ड लेवल पे उसने क्या क्या देखा। ब्रास पीटन देखा जो कि चारों तरफ लगे पड़े थे स्टेशन पे। और फिर उसके बाद फिर वो और फिर उसके बाद फिर वो जब थोड़ी दूर और जाता है, तो फिर एक आदमी देखता है जिसने गोल्ड वॉच ले रखी है, जो उसके पॉकेट के अंदर है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर गोल्ड वॉच के ऊपर स्पॉट क्या कहते हैं ब्रासपिटन कुछ ऐसा होता है। और फिर उसके बाद गोल्ड वॉच ले रखी है जिसके ऊपर कवर भी है, और वो ओपन भी होता है कवर। और फिर उसके बाद ओपन कवर ग्लैंस एंड हिज वॉच फॉरवर्ड एंड ही वरी अबाउट। और फिर उसके बाद फिर वो देखता है कि उसने क्या कहते हैं डर्बी हैट पहन रखा है, ब्लैक फ्लोर बटन सूट पहन रखा है, और फिर उसके बाद ये कहते हैं बिग प्लेव है, और फिर मस्टैंग है उसके, कुछ इस टाइप का बताना चाह रहा है। कि फिर वो देखता है वो आदमी कुछ इस लुक में है। और फिर उसके बाद और फिर वो चारों तरफ देखता है, तो वहाँ पे सिर्फ सभी लोगों ने 1819 जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। फिर उसके बाद और फिर मैंने कभी भी अपने लाइफ में इससे पहले ऐसे
ऐसे मस्टैंड्स नहीं देखे थे, मतलब ऐसे ड्रेस अब किसी को नहीं देखा था जिन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे। ऑफिस में भी मैं देखता हूँ, एक वुमेन है वो क्या कहते हैं ट्रेन के गेट से नीचे उतर सी है, और फिर उसके बाद उसने कुछ लैग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट पहन रखा है, और फिर उसके बाद उसने हाई बॉटम शूज पहन रखे हैं, और कुछ इस तरीके का बताना चाह रहा है कि कुछ जब वो देखता है चार्ली कि वो अपने जब कि एक वुमेन है वो ट्रेन से उतर रही है, उसने कुछ इस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं। फिर चार्ली फिर वहां से जब आगे जाता है तो फिर वहां पे देखता है फ्लेम सेफ स्टैक, मतलब ट्रेन कुछ इस टाइप का देखता है कि जैसे ओल्ड टाइम में ट्रेन होती है, कुछ इस टाइप का ट्रेन देखता है। फिर उसके बाद और फिर मुझे पता लग जाता है, फिर टू मेक श्योर फिर मुझे पता लग जाता है कि मैं थर्ड लेवल पे आ गया हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं इसको कंफर्म करने के लिए फिर मैं आगे की तरफ थोड़ा पढ़ता हूँ, फिर मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर देखता हूँ जिसके ऊपर लिखा हुआ था द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद और फिर मैं सोचती हूँ ये जो पेपर है द वर्ल्ड, ये तो पब्लिश ही नहीं हुआ काफी सालों से और ये बंद हो चुका है। और फिर उसके बाद फिर मैं देखता हूँ उस पे डेट प्रिंट था 11 जून 1894। फिर उसके बाद फिर मैं टिकट लेने के लिए टिकट विंडो की तरफ जाता हूँ ऑन द थर्ड लेवल स्टेशन के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और फिर आई कुड बाय द टिकट एट कुलटे लुशिया। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे टिकट बाय करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे को लुशिया के पास ले जाए या फिर कहीं पे भी ले जाए यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है पहुँच सको इन वो क्या कहते हैं 1894 के अंदर आई वॉन्ट टू। और फिर उसके बाद फिर मैं दो टिकट लेने की सोचता हूँ गैस भर के लिए, और फिर मैं सोचने लग जाता हूँ कि ओल्ड यहाँ पे ओल्ड फ्रेम हाउस होंगे, ह्यूज लॉन होंगे एंड ट्रीमेंडस ट्री मतलब क्या होता है जैसे रोड रोड के साइड बाय साइड जो पेड़ लगे रहते हैं और वो पेड़ रोड को चारों तरफ से घेर के रखते हैं और बीच में से रोड जा रही हो, ठीक है इसे कहते हैं एंड द ब्रांच वेंट ओवर द रूफ ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। एंड वो बताता है कि ऐसी चीजें मैं 1894 में देखूंगा। ऑफिस को क्या कहते हैं समर की इवनिंग में ट्वाइस अलोंग, वो बताता है कि समर की इवनिंग में क्या कहते हैं यहाँ पे पीपल अपने घर के बाहर बाहर मतलब जो आदमी है वो अपने घर के बाहर लॉन में बैठते होंगे, मैन स्मोकिंग करते होंगे सिगार मतलब स्मोकिंग करते हुए सिगार फूक रहे होंगे, और उनकी जो वाइफ है वो पालम लीफ फैन से उन्हें हवा कर रही होगी विद फायर फ्लेम ऑल अराउंड, और फिर उसके बाद घर के चारों तरफ फायर फ्लेम लगा होगा। सो सकते हो जैसे पुराने मूवी में भी देखा होगा आपने कि घर के बाहर बैठे हुए हैं सिगार फूक रहे हैं और चारों तरफ फायर फ्लेम लगा हुआ है। फायर फ्लेम क्या होता है जैसे एक बकेट होता है उसके अंदर थोड़ा सा मतलब आग लगा के चारों तरफ ऐसी पीसो बकेट मतलब छोटे छोटे आग लगा के चारों तरफ घर के रख देना, थोड़ा डेकोरेटिव और थोड़ा बढ़िया लगता है देखने में, और उससे क्या होता है कि जंगली जानवर भी अंदर नहीं आते हैं अराउंड मतलब चारों तरफ घर के होंगे, और ये फुल ऑफ पीसफुलनेस है मतलब ये बताता है कि ये फिर वो बताता है कि बिल्कुल पीच ऑफ फुलनेस है टू बैक अप देयर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर ऑफ ऑफिस के। फिर वो बोलता है कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुआ, और फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे दो टिकट लेने की कोशिश करता हूँ। फिर वो टिकट लेने के लिए वहाँ पे जाता है टिकट काउंटर पे, और फिर जब वो वहाँ पे पैसे देता है तो फिर उसके बाद जो वहाँ पे टिकट काउंटर वाला होता है वो उसे देखने लग जाता है कि ये कौन सी करेंसी दे रहा है, वो कुछ इस टाइप की करेंसी दे रहा था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1 डॉलर की, लेकिन उस टाइम ओल्ड टाइम पे ऐसी चलती थी 1894 कुछ ऐसी करेंसी चलती थी 34, ठीक है। और उसके बाद फिर वो
जो टिकट काउंटर वाला होता है वो उसे देखने लग जाता है, वो बोलता है कि तुम मेरे से चीट करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें इस चीज के लिए परेशान भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो चार्ली होता है वो घबरा जाता है और वहां से जल्दी निकल जाता है, और फिर वो बोलता है कि उस टाइम देर और वहां पे कोई अच्छी चीज नहीं थी जेल के बारे में, उस टाइम भी जेल के बारे में कुछ अच्छी चीज नहीं थी। और यहाँ पे एक और चीज है कि जब वो जब टिकट काउंटर पे जाता है तो फिर उसके बाद है और फिर उसके बाद जब वो जब चार्ली टिकट काउंटर पर जाता है तो वो टिकट काउंटर वाले के बारे में बोलता है कि फैन हेड बैंड, मतलब वो बताता है कि फैंसी जो हेड बैंड पहन रखा था टिकट काउंटर वाले ने उसके बारे में थोड़ा बढ़ाई कर देता है। तो फिर उसके बाद जब वो उसको टिकट खरीदने के लिए $1 का कुछ ऐसा देता है, तो फिर वो टिकट काउंटर वाला बोलता है कि तुम मेरे साथ बातें करके और फिर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे मलाई लगाने की कोशिश कर रहे हो स्किन में, मतलब ये होता है कि थोड़ा चापलूसी करना कि तुम चापलूसी करके ऐसे ही कर रहे हो। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं चार्ली थोड़ा डर जाता है और फिर वहां से जल्दी से भागता है। फिर उसके बाद आई लेफ्ट ऑन द ऑफिस के बाद वो फिर वो वापस से अपने उस पे आ जाता है फर्स्ट सेकंड लेवल पे और वापस निकल जाता है। फिर वो नेक्स्ट डे वो बैंक में जाता है, अपने $3 को $2 में कन्वर्ट करवा लेता है प्रीमियम दाम पे। हाँ ये थोड़ा उसके लिए घाटा था, लेकिन उसको पता था कि ऑल टाइम में ये $2 भी बहुत ज्यादा बड़ी करेंसी थी, क्योंकि उस टाइम पे 1 डजन एग जो है 30 सेंट में आ जाता था 1894 में। तो इसलिए वो उसके लिए ये भी बहुत ज्यादा अमाउंट था, लेकिन फिर जब वो जाता है तो वो कभी भी थर्ड लेवल को ढूंढ नहीं पाता है। तो फिर इससे वो डेली थर्ड लेवल को ढूंढ जाता है। तो इन सब चीजों को देख के चार्ली की जो वाइफ थी वो परेशान हो जाती है, और फिर उसके बाद है फिर वो अपनी वाइफ को परेशान देख के फिर वो ये सब चीजें छोड़ देता है और वो वापस अपने स्टैम्प कलेक्शन पे आ जाता है। फिर वो स्टैम्प कलेक्शन करने लग जाता है और स्टैम्प कलेक्शन, और मैंने आपको ये नहीं बताया था फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फर्स्ट डे कवर ये होता है कि जब भी कोई न्यू स्टैम्प इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या करते हैं कि न्यू स्टैम्प इशू होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं कि एनवलप पे लगा के उस स्टैम्प को अपने ही एड्रेस पे वापस से भेज देते हैं। तो जब वो वापस जाके अपने एड्रेस पे आता है तो उसको उसमें से स्टैम्प को निकाल के अपने इस तरह के बुक में स्टोर कर लेते हैं, इसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं। तो फिर वो बोलता है कि मेरी जब वो अपने वाइफ को परेशान देखता है तो फिर वो थर्ड लेवल को ढूंढना छोड़ के फिर वापस से अपने स्टैम्प कलेक्शन पे आ जाता है। लेकिन फिर उसके बाद वो नोटिस करता है कि जो मेरा जो उसका फ्रेंड था सैम वो डिसअपेयर हो चुका है और वो कहीं पे दिख नहीं रहा था। फिर वो उसके बारे में ढूंढता है पता करता है, तो फिर उसको पता चलता है कि उसने फिर जो मेरा फ्रेंड है जो सैम डिसअपीयर हो जाता है। फिर उसके बाद फिर वो जब उसके बारे में पता करता है तो फिर वो उसको उसके कहते हैं फिर उसको सैम का एक जो है फर्स्ट डे कवर नोट मिलता है, जिसके अंदर जब सैम बोलता है कि चार्ली तुम सही थे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है, और तुम भी उसे ढूंढना मत छोड़ना, वो क्या कहते हैं ढूंढना मत छोड़ना, और एक दिन तुम्हें थर्ड लेवल मिलेगा और तुम यहाँ पे आ जाना गैसबर्ग में। और ये बहुत ही पीसफुलनेस है, कुछ ऐसा लेटर उसे मिलता है इसमें लिखा हुआ है। और फिर वो उस पर डेट पड़ता है जुलाई
8 जुलाई 1894, और उसके दोस्त की तरफ से आता है चार्ली को, आई गॉट अ विश डेट यू वर राइट, देन आई गॉट अ बिलीव यू वर राइट। फिर यहाँ पे बोलता है कि चार्ली तुम ठीक हो गए, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों पे बिलीव कर लिया कि तुम सही बता रहे थे, एंड चार्ली इट इज़ ट्रू कि चार्ली तुम ठीक थे। आई फाउंड मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है, एंड आई टू और मैं 2 हफ्ते पहले यहाँ पे आ चुका है, एंड राइट नाउ और मैं यहाँ पे ठीक हूँ, डाउन टू द स्टेयर एट द डेली समवे एंड प्लेइंग पियानो। और फिर उसके बाद ये बहुत ही पीसफुलनेस है, यहाँ पे मैं प्लेइंग पियानो कर रहा हूँ, एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट सिंगिंग। और फिर उसके बाद वो यहाँ पे बोलता है कि ये फुल ऑफ पीसफुलनेस जगह है, और यहाँ पे पियानो सिंगिंग इन सब चीज़ों की आवाज़ें हैं। और फिर उसके बाद वो जो चार्ली का फ्रेंड है सैम, वो उसको इनवाइट करता है कि तुम यहाँ पे आ जाओ और थर्ड लेवल को ढूंढना मत छोड़ना। चार्ली है और लूशा को बोलता है और कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक तुम थर्ड लेवल को ना फाइंड कर लो, जब तक ढूंढते रहो, क्योंकि ये वर्थ इट है, ये मतलब वर्थ इट मतलब ये उस लायक है, बिलीव मी, मतलब वो वहाँ पहुँच चुका था। और फिर उसके बाद फिर चार्ली सोचता है कि वो वहाँ पे जाके जो सैम है वहाँ जाके क्या कर रहा होगा, तो वो वहाँ पे साइकेट्रिस्ट का तो काम कर नहीं रहा होगा, क्योंकि पुराने दिनों में साइकेट्रिस्ट का किसका काम, किसको काम होगा, सब पीस क्योंकि पीसफुलनेस था, तो वो समझ जाता है कि जो सैम था वो बोल रहा था ग्रीन बिजनेस करने की, तो वो वहाँ पे ग्रीन बिजनेस कर रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से चार्ली को पता चल जाता है, और आपकी स्टोरी भी यहीं पे ख़त्म होती है। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो, वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में, उसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले आगे हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें।